सदृश स्वप्नम जातम परिपूर्ण स्वच्छ भारतम नमाम्यहम्। स्वच्छ
नमस्कार, रचना में आपका स्वागत है। आज हम इस कार्यक्रम के तहत डोगरी उपन्यास की बात करेंगे और डोगरी उपन्यास पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जिनको हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है, डोगरी के नामवर साहित्यकार, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित उपन्यासकार, कवि, निबंधकार, कहानीकार इंद्रजीत केसर जी को। केसर साहब, आपका स्वागत है। शुक्रिया। केसर साहब, आज हम, क्योंकि आप खुद भी उपन्यासकार हैं, तो डोगरी में हालांकि बहुत ज्यादा उपन्यास अब तक लिखे नहीं गए, लेकिन जितने भी लिखे गए हैं आलोचकों का मानना है कि वो उपन्यास साहित्य में खास मुकाम रखने वाले उपन्यास हैं। आपका क्या कहना है? 1945 से पहले तो उपन्यास कोई खास था नहीं, उसके बाद ही जब ये डोगरी रुझान शुरू हुआ। जिनका मतलब नरेंद्र खजूरिया जी का शानो उपन्यास बाद में आया ना। जी जी। उसके बाद फिर जब ये डोगरी क्लासों में लगी, डोगरी के सिलेबस मदन मोहन और बेदराही, बेदराही, रामनाथ शास्त्री, नरेंद्र खजूरिया, इनके उपन्यास आए। पहले तो उपन्यास लिखने में लोग झिझकते थे डोगरी में, जब पहला आया तो थोड़ा उत्साह बढ़ा, तो देखो देखी फिर उपन्यास छपने लगे, बनने लगे, लिखने लगे लोग। आज उपन्यास जो है वो पहले की बनिस्बत बहुत ज़्यादा है, पर फिर भी अगर सारी बाकी भाषाओं की तरफ ध्यान दिया जाए तो हमारे नावल अभी भी उपन्यास कम हैं, पर फिर भी लोग लिख रहे हैं। हाँ, उनका साहित्य में मुकाम अगर तय करना हो तो किस तरह से करेंगे? हमारे, मेरा ख्याल 80-90% उपन्यास ऐसे हैं जो किसी भी भारतीय भाषा के मुकाबले में रखे जा सकते हैं। अच्छे अच्छे उपन्यास लिखे गए हैं। नरेंद्र खुजरे का है, हमारे डोगरा ये नूतन जी हैं, उन्होंने उपन्यास लिखे हैं। तो उपन्यास की जो है मेयार, वो किसी अन्य भाषा से आप कम नहीं आंक सकते हो। और मुझे लगता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार की अगर बात करें तो कविताओं के अलावा, कविता संग्रह के अलावा सबसे ज्यादा जो पुरस्कार है मुझे लगता है उपन्यास में ही मिले हैं। हाँ, उपन्यास के जो साहित्य अकादमी अवार्ड है वो मेरा ख्याल 7 हैं। हाँ, जैसे वत्स विकल जी का है, जी का फुलबीन डाली, फिर जम्बाल साहब का, नरसिंह देव जम्बाल जी का सांझी तरती बखले मानू, वैसे ही देशबंधु डोगरा नूतन उनका भी कैदी। हाँ जी, इस तरह। और फिर उनका ओपी शर्मा सारथी जी का, वो तो कमाल था जी। जी जी, वो तो बहुत अच्छा उपन्यास था वो, और एक उपन्यास उसमें मेरा भी है। हाँ जी जी, जिनको मिला बिल्कुल बिल्कुल भागीरथ। तो मेयार में कहीं भी कम नहीं है डोगरी उपन्यास, पूरी टक्कर दे रहे हैं। उसमें किस किस तरह के, जैसे शुरुआती दौर के जो उपन्यास हैं, जैसे शानो आठ बेड़ी पत्तन और जो हैं, वो हमारी डोगरा कल्चर से, पहाड़ी जो जमीन है उससे जुड़े हुए और उन समस्याओं से जुड़े हुए सामाजिक उपन्यास हैं सारे। जी, और जी, अच्छी समस्याएं हैं। लेकिन हम जब सभी उपन्यासों की बात करें तो सारथी साहब के उपन्यास उनमें सभी में भिन्न है, अलग है, अलग है, बिल्कुल अलग है। और उनके बारे में वो जो उन्होंने जितने भी 3-4 उपन्यास हैं उनके, वो सारे के सारे उपन्यास, चाहे मकान हो, चाहे रेशम के कीड़े हो, चाहे वो समुंदर दी तरह हो, मकान हो, इस सारे के सारे उपन्यास जो हैं उनकी शैली अलग है,
उनका बाकी जो अंदाजे बयां है वो और है, उनके प्लाट और हैं, उनके बारे में क्या कहते हैं आप? उनके नावल पढ़ के जहाँ तक मेरा ताल्लुक है दिल हिल जाता है। जो बाकी उपन्यास हम पढ़ते हैं वो सामाजिक हैं, अपने खैर अपने आप हर लेखक का अपना अपना एक नज़रिया होता है, शब्द होते हैं, ढंग होता है लिखने का, पर उपेश शर्मा सारथी का कमाल है इसमें कोई दो राय नहीं। और उसको पूरा अब बयान करना भी बड़ा मुश्किल है, ऐसे ऐसे शब्द ऐसे ऐसे उन्होंने बुने हुए हैं ताने बाने, मन हिल जाता है, बहुत प्रसन्न होता है मन। अच्छे नावल, बहुत अच्छे उपन्यास हैं उनके। और उन्होंने और भी विधाओं में लिखा, पर उपन्यास भी जो है वो कमाल के बहुत म्यारी उपन्यास हैं उनके। यूं जैसे आपने 6 उपन्यास लिखे हैं और देशबंधु डोगरा नूतन जी के 3-4 उपन्यास उनके भी हैं, जमाल साहब के 3-4 उपन्यास या 3 हैं शायद, हाँ। लेकिन वेद राही साहब ने भी काफी मात्रा में उपन्यास लिखे हैं। उन्होंने तो हिस्टोरिकल भी लल दैत भी लिया है, हाँ। और उनका गर्भ जून जैसे है, गर्भ गर्भ जून और ग्रास फायरिंग है, अनंत पिछले दिनों आया काफी बड़ा उपन्यास, और उनका एक और उपन्यास है लाल दैत्य। लाल दैत्य वो बहुत सी भाषाओं में ट्रांसलेट हुआ है क्योंकि वो कश्मीर की एक लेश्वरी के नाम पे है। और सबसे बड़ा है वेदराई का कमाल के, वो यहाँ से बहुत दूर बैठे हैं और काफ़ी सालों से बैठे हैं, फिर भी उनका रुझान डोगरी की तरफ है और पूरी हिस्ट्री उन्होंने पढ़ी है। एक्चुअली तो हमारे GNK से ही बिलोंग करते हैं, जम्मू से बिलोंग करते हैं, और वहाँ बैठ के ये नावल लिखना बहुत बड़ी बात है, और अच्छे स्टैंडर्ड के नावल लिखे हैं उन्होंने। हाँ, आलोचकों का तो ये कहना है कि वो उपन्यास डोगरी का वो उपन्यास किसी भी भारतीय भाषा के उपन्यास के बराबर रखा जा सकता है, जो जो चुनिंदा उपन्यास जी 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 चुनिंदा उपन्यास जो है उनमें रखा जा सकता है। और वो भी मेरे ख्याल 2-2, 3-3 साल के बाद उपन्यास दे ही रहे हैं, अच्छे उपन्यास लिखे हैं उन्होंने, और वो उनके उपन्यास भी शायद सिलेबस में लगे हुए हैं। हाँ, उनका एक और उपन्यास है जिसे आप पॉपुलर साहित्य में भी रख सकते हैं, शकीला दे मंसूर। हाँ, मंसूर, हाँ है ना, शकीला मंसूर है। नहीं, वो अच्छे नावल लिखे हैं, कश्मीर का की झलक मिलती है, क्रॉस फायरिंग है, शकीला मंसूर है, लल दैत है, तो हमारा कल्चर जो है वो उसमें डिपिक्ट करते हैं। तो अब तक क्या हमें समझना चाहिए कि कितने गिनती में कितने हो गए हैं उपन्यास मैदी पे? मेरा ख्याल 35-36 के करीब हैं, 35-36 उस हिसाब से गिनती बहुत कम है, बहुत कम उस हिसाब से कम है, पर फिर भी पहले के मुताबिक अब नावल उपन्यास लिखे जा रहे हैं और सिलेबस में लग रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि और भी उपन्यासकार सामने आएंगे और हमारी समस्याओं को लेकर अच्छे अच्छे उपन्यास लिखेंगे। तो एक और उपन्यास है, शायद आप उसका जिक्र करना चाहें, देशबंधु डोगरा नूतन का उपन्यास पीमू, जो 4-5 वॉल्यूम में है, बड़े 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 और सारे वॉल्यूम बड़े वॉल्यूमिनस है, बड़े मोटे हैं, अच्छे अच्छे तो एक उपन्यास, एक टाइटल मतलब ऐसा भी है कि जो दो उपन्यासकारों ने एक ही टाइटल का इस्तेमाल किया है जी, 1947, हाँ, डॉक्टर ओम गोस्वामी ने भी और देशबंधु डोगरा एक ही टाइटल। डॉक्टर गोस्वामी ने भी काफी उपन्यास लिखे हैं, हाँ, उन्होंने कहानियां और उपन्यास अच्छे लिखे हैं, कविताएं भी लिखी है, मगर कविताएं थोड़ी हैं, उपन्यास और अच्छे उनके भी म्यारी उपन्यास हैं, सारे बड़े सुलझे हुए व्यक्ति हैं और अच्छे अच्छे उपन्यास दिए उन्होंने, और अभी भी वो लिख रहे हैं।